बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम क्लास। अमीन है आप सब खैर वैफियत से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई इंट्रोड्यूस टू माय सेल्फ, माय नेम इज नैन रजा एंड आई एम अ लेक्चरर ऑफ द कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी। एंड क्लास टुडे वी आर गोइंग टू बी डिस्कस वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक रिलेटेड टू द प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, आई एम पार्ट 2 कंसाइनमेंट अकाउंट। क्लास इससे पहले हमने कंसाइनमेंट के 4 क्वेश्चंस अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिए थे। आज जो हम कंसाइनमेंट का क्वेश्चन करने जा रहे हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका जो है वो 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 को अच्छे तरीके से पहले पढ़ लेते हैं। हमारे पास है ग्लोबल एंड कंपनी ऑफ कराची सेंट 1000 केसेस ऑफ द होम्योपैथिक मेडिसिन टू ज़ाहिद एंड ब्रो रावलपिंडी एट रुपीज 100 पर केस। एक 1000 केसेस भेजे हैं और एक कीमत 100 रुपया है। एक्सपेंसेस ऑन द कंसाइनमेंट इनकर्ड बाय द कंसाइनर amount is 3000. Zahid and Bros in the Rawalpindi were working as a delegated agent. Their commission is 5%. Delegated commission is 7/1/2%. Exactly after 6 months, an account sale was received by the Global End Company giving the following information. Sale proceeds of 750 cases, 1,50,000. Stock of unsold goods in hand, 250 cases. And consignee's expense amounted 1200 and bank draw for 1 lakh was sent by the Zahid and Bros along with the account sale. You are asked to give the necessary entries in the books of the consignor to above the transaction. Plus, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 हम डिस्कस करेंगे आज इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने क्या करना है, ग्लोबल एंड कंपनीज का जो है जनरल यहाँ पे बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम चलते हैं। ग्लोबल एंड कंपनीज ग्लोबल एंड कंपनी का जर्नल बनाएंगे। डेट डिटेल उसी तरह से क्लास। डेट डिटेल आज जी क्लास। अब देखते हैं हमारे पास ग्लोबल एंड कंपनी ऑफ द कराची कितने की चीजें, 1000 केसेस से 100 भेजे तो 100,000 केसेस होंगे, तो कैंपटी पास करेगा ये कंसाइनमेंट अकाउंट टू जीएसओसी अकाउंट, ठीक है। 1 लाख के तो यहां पर नरेशन गुड्स सेंड टू कंसाइनी हमारे पास क्या क्या है यहां पे ज़ाहिद एंड ब्रोस, जी गुड्स सेंड टू ज़ाहिद एंड ब्रोस। अब क्लास हमारे पास आगे आ रहा है, इसने एक्सपेंसेस जो है वो एक्सपेंसेस पे किए हैं अमाउंट 3000 के, तो क्या एंट्री करेगा कंसाइनमेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट। और यहां पे हम लिखेंगे एक्सपेंसेस पेड बाय ग्लोबल एंड कंपनी, आप पूरा लिख लीजिएगा, ठीक हो गया। इसके अलावा जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है हमारे पास वो क्या है कि कमीशन है, लेकिन कमीशन से पहले हमें सेल प्रोसीड पता होना चाहिए कि हमारे पास सेल कितना हुआ है। सेल है 750 केसेस 1,50,000 के, तो क्लास सेल की एंट्री हमारे पास क्या होती है, ज़ाहिद एंड ब्रो अकाउंट टू ब्रो अकाउंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट 1,50,000। यहां पे हम क्या लिखेंगे, गुड्स सोल्ड बाय ज़ाहिद एंड ब्रो, जी हमने यहां पे ये भी मामला जो है वो कर लिया। अब क्लास यहां पे अगर हम देखें गुड्स तो हमने यहां पे सेल कर लिया,
इसके अलावा क्लास हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है कि उसने बोला है कि हमारे पास जो है आंसर ऑफ स्टॉक 250 केसेस है, तो आंसर ऑफ स्टॉक की पहले वर्किंग कर लेते हैं। आंसर ऑफ स्टॉक की वर्किंग में हमारे पास किस तरह से आएगी, पहले एंट्री देखिएगा स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट, क्लास यहाँ पे वर्किंग फॉर आंसर स्टार्ट करेंगे। वर्किंग फॉर आंसर स्टार्ट हमारे पास का फॉर्मूला है कॉस्ट प्राइस ऑफ कंसाइनमेंट कंसाइनर के डायरेक्ट एक्सपेंसेस डिवाइड करेंगे हम टोटल यूनिट्स पे और मल्टीप्लाई आंसर यूनिट्स। अब क्लास कंसाइनर के हमारे पास जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे वो हमारे पास कितने हैं, अभी मैं देखिए 3000 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई अनसोल्ड यूनिट्स हमारे पास क्लास कितने थे, अनसोल्ड यूनिट्स हमारे पास थे 250। अब ये देखिएगा अगर आपने जब इनको मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 25000 आ गया, अगर हम इनको डिवाइड करके मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्लास जो वैल्यू आ रही है वो 750 है। अब आपने इन सब दोनों को ऐड किया तो वो आ गया 25750, ठीक हो गया। अब आपने यहाँ पे एंट्री में लिख देना है 25750 25750, तो यहाँ पे लिखेंगे स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, ठीक हो गया जी। क्लास नेक्स्ट डे अगर हम बात करें तो हमारे पास वैल्यू आ रही है कंसाइनिंग के एक्सपेंसेस की जो कि 1200 थे, तो क्या एंट्री पास करते थे, वो एंट्री पास करते थे जाहिद अकाउंट या कंसाइनिंग अकाउंट टू कंसाइनमेंट, कितने से 1200 से। तो यहां पे हम कितने हैं एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी यानी कि जाहिद ने एक्सपेंस जो है वो यहां पे पे किए हैं, ठीक हो गया। इसके अलावा सेल हमने अब देखना है, हमारे पास सेल हो चुकी है जी, सेल हमने लिख ली 500 लिख लिया कंसाइनी के। अब हमें क्लास एक बैंक ड्राफ्ट जो है यहां पे रिसीव हुआ है, तो क्या एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट टू जाहिद एंड ग्रो अकाउंट, बैंक अकाउंट टू जाहिद एंड ग्रो अकाउंट कितने से क्लास, यहाँ पे मेंशन किया है 1 लाख से आपको एक जो है बैंक ड्राफ्ट जो है वो ठीक हो गया। इसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे बैंक ड्राफ्ट रिसीव फ्रॉम द कंसाइनी, यू कैन सी है आप यहाँ पे लिख सकते हैं बैंक ड्राफ्ट रिसीव फ्रॉम कंसाइनी, आंसर स्टॉक की भी हमने एंट्री कर दी, सारी ऑलमोस्ट एंट्रीज हमारे पास हो चुकी हैं, बैंक ड्राफ्ट की भी क्लास हमारे पास एंट्री हो चुकी है, बस हमारे पास कमीशन की एंट्री रहती है। कमीशन की एंट्री किस तरह से करेंगे क्लास जरा देखते हैं, वर्किंग फॉर कमीशन, कमीशन सेल पे होती है, सेल हमारे पास कितनी है हमारा 3000, सेल
सेल हमारे पास माना है 50,000 है। कमीशन किस तरह से हम लेंगे? कमीशन हमारे पास क्लास दो वैल्यू में आ रही है, जरा देखिएगा हमारे पास कमीशन जो यहाँ पे आ रही है 12.5% किस तरह से आया कि 5% ये और 5% ये और 7 से ही 1/2%, 7 × 14 = 15/2 जमा 5%, तो 5 × 7 = 5 अगर इनको जमा किया जाए 12.5% का हमारे पास ये आ जाता है। अब देखिएगा सेल और सेल पे यानी 12.5% में तो हमारे पास जो कमीशन की वैल्यू आ रही है वो 1,750 है। जी सबसे पहले उसी तरह से कंसाइनमेंट अकाउंट, डेट डिटेल अमाउंट, डेट डिटेल और अमाउंट, जी क्लास सबसे पहले देखिएगा कि हमारे पास कंसाइनमेंट डेबिट हुआ है। पहले में इसकी वजह से कंसाइनमेंट डेबिट हुआ है GSOC अकाउंट की वजह से, कितने से? 1,00,000 से। फिर कंसाइनमेंट डेबिट हुआ है कैश की वजह से जी 3,000 से। फिर कंसाइनमेंट क्रेडिट हुआ है जाहिर की वजह से 1,50,000 से। फिर कंसाइनमेंट डेबिट हुआ क्रेडिट हुआ है स्टाफ कंसाइनमेंट की वजह से 1,200 से। और फिर कंसाइनमेंट डेबिट हुआ है जाहिद एंड ब्रो की वजह से। जी क्लास अभी हमने जो यहाँ पे बनाया है स्टार का कंसाइनमेंट 1,8,750। अच्छा हमारे पास जो कंसाइनमेंट यहाँ पे जो डेबिट हो रहा है सिर्फ दो ऐसी वजह से हुआ है। अच्छा अभी 1,200 की वजह से कंसाइनमेंट हमारे पास क्रेडिट डेबिट हुआ है, ये एक्सपेंसेस पेड बाय द कंसाइनी। अगर हम क्लास एक्सपेंसेस पेड बाय द कंसाइनी की तरफ चलेंगे तो ये हमें एंट्री थोड़ी सी मिसिंग की है। ये एंट्री हमारे पास थी कंसाइनमेंट अकाउंट टू ज़ाहिद एंड ब्रो अकाउंट, थोड़ा सा ये मसला आ गया है, इसको सही कर लेते हैं। ठीक हो गया। आपको कंसाइनमेंट डेबिट हुआ है जाहिर की वजह से, जी क्लास अब हम क्या करेंगे अगर हम इनका समाप्त करें तो हमारे पास क्लास क्या आता है
150 + 25 = 750। अगर हम इनका सम अप करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यूज आ रही है यहाँ पे वो आ रही है 175750। इसमें से इसको हमने लेस किया तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है 52,852,800। तो हम ये इसको प्रॉफिट लिखेंगे, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। जी क्लास, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट आ गया। अभी देखिएगा प्रॉफिट की एंट्री हम क्या करते थे, प्रॉफिट की एंट्री हम करते थे कंसाइनमेंट अकाउंट जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितने से 52,800 से। और यहाँ पे लिखते हैं प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट और पे गुड ट्रांसफर की एंट्री जीएसओसी अकाउंट टू ट्रेडिंग अकाउंट और नीचे लिखेंगे गुड ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। जी क्लास, क्वेश्चन नंबर 6 था, बहुत आसान क्वेश्चन था। अच्छा, ये कमीशन की एंट्री मैंने यहाँ पास कर दी थी, यहाँ पे सेल्स नहीं थी। और इसके बाद क्लास मैंने अभी प्रॉफिट की और इसके बाद ग्रुप ट्रांसफर की एंट्री यहाँ पे भी मैंने पास की है। क्लास अभी हम इसको क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन नंबर 7 को पहले पढ़ लेते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है क्या। ऑन 1st जुलाई 2016 पी एंड कंपनी सेंट 300 केसेस ऑफ द मेडिसिन टू द जिशान ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। द कॉस्ट ऑफ ईच केस वाज 1000। P and Company incurred the following expenses on the consignment: ₹750 on the railway freight and ₹450 on the insurance. 200 cases were sold by Zishan's uniformly at ₹2000 per case. The expenses of the Zishan 200 cases were sold by the Zishan and amounted ₹1200. He sent an account sale on 31st December 2016, which revealed that he charged 5% or ordinary commission. 10% as a debtor commission. He sent a bank draft for ₹19,000. You are required to prepare the consignment account, Zishan account, and a good set of consignment account in the book of the P and Company. जी क्लास, क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ आपने नेसेसरी लेजर्स बनाने हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं बनाना। इसका मतलब ये है कि क्लास, लेकिन अगर हम नेसेसरी लेजर्स बना लेते हैं और लेकिन मैं आपको प्रॉपर पहले उसकी एंट्रीज जो है करके बताता हूँ, रफआउट में इस तरह से पहले किया ताकि स्टूडेंट्स को पता चल जाए कि हमने असाइनमेंट को यहाँ पे किस तरह से बनाया है। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है क्लास। क्वेश्चन नंबर 7, हमने कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है। इसमें डेट डिटेल अमाउंट, डेट डिटेल अमाउंट, नेसेसरी लेजर्स हैं, तीन बनेंगे, एक कंसाइनमेंट अकाउंट बनेगा। ओके, कंसाइनमेंट के बाद हमारे पास बनेगा कंसाइनी। कंसाइनी हमारे पास क्लास यहाँ पे कौन है वो देखते हैं। कंसाइनी जिशान अकाउंट, इसके बाद निशान के बाद क्लास हमारे पास गुड सेट ऑफ कंसाइन
असाइनमेंट का ही बन रहा है और वो हम बाद में बना लेते हैं। पहले हम अच्छे क्लास हम देखते हैं कि हमारे पास जनरल एंट्रीज क्या क्या पास हो रही होंगी। पहली है 1 जुलाई 2016 को पीएन को अपनी सेंट्री है रिटेक से अगर मेडिसिन निर्देशान 1000 तो भाई आपने क्या एंट्री पास की होगी। कंसाइनमेंट में साथ साथ एंट्री पोस्ट करूंगा। कंसाइनमेंट अकाउंट जो जीएसओसी अकाउंट ठीक है कितने से जी क्लास कितने से ये हुआ 3 लाख से ठीक हो गया। अब कंसाइनमेंट इसमें डेबिट हुआ था किसकी वजह से जीएसओसी अकाउंट की वजह से। कंसाइनमेंट हमारे पास यहाँ पे क्लास डेबिट हुआ है जीएसओसी अकाउंट की वजह से। जी क्लास हमारे पास नेक्स्ट पे है हमारे पास है कंसाइनमेंट डेबिट हुआ जीएसओसी के अकाउंट की वजह से। आगे है कि एक्सपेंसेस पे किए हैं कितने 750 प्लस 450 ऑन इंश्योरेंस। तो आपने जो है वो एक्सपेंस पे किए हैं तो हमारे पास कितने आएंगे 1800। तो हमने कैन की पास की होगी कंसाइनमेंट अकाउंट जो कैश अकाउंट से कैश की ऐसे कौन सा हमें डेबिट हुआ 1200 इज इट क्लियर। देन क्लास हमारे पास जो वैल्यू आ रही है कंसाइनमेंट डेबिट हुआ है देन कंसाइनमेंट अकाउंट को कैश अकाउंट हमने देखिए क्लियर किया है। आफ्टर डेट क्लास अगर हम बात करें हमारे पास तो हमारे पास क्या है आगे नेक्स्ट डे 200 केसेस वर सोल्ड बाय द निशान यूनिफॉर्मली 200 पर केस तो सेल हो गई है सेल 200 पर केस तो हमने क्या एंट्री की थी कंसाइनिंग अकाउंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट जी कंसाइनिंग अकाउंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट यानी कि निशान अकाउंट जो क्लास कंसाइनमेंट अकाउंट सेल हमने यहां पे की है तो 4 लाख की आ जाएगी। तो कंसाइनमेंट क्या हुआ है क्रेडिट हुआ है निशान की वजह से ठीक हो गया। इसके अलावा क्लास हमारे पास आगे वैल्यू आ रही है तो निशान ने कुछ एक्सपेंसेस पे किए हैं तो अगर निशान कुछ एक्सपेंसेस पे करेगा तो क्या एंट्री पास होगी हमारे पास कंसाइनमेंट अकाउंट जो निशान अकाउंट तो क्या एंट्री करेंगे कंसाइनमेंट डेबिट हुआ है किस वजह से निशान की वजह से वो हमने यहाँ पे 1200 यहाँ पे भी लिख लिए हैं। जी क्लास आगे हमारे पास वैल्यू आ रही है 10% 15% कमीशन की हमारे पास और सेल हमारे पास कितने हुई है 750 यहाँ पे जो सेल प्रोडक्ट है उसने हमें बता दिया हुआ है कि जो हमारे पास सेल हुई है 200 केसेस वर सोल्ड क्लास हमारे पास यहाँ पे जैसे मैंने अभी बताया 4 लाख हमारे पास ये आ चुकी थी सेल हो चुकी है कमीशन पे हमने जो 15% जो लेनी है अभी हमारे पास 1200 था यहाँ पे हम लिखेंगे। अब कमीशन हमने चार्ज करनी है तो क्या एंट्री करेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट जो निशान अकाउंट इस कंसाइनमेंट अकाउंट निशान अकाउंट क्या एंट्री क्लास पास कितने हैं ये हमारे पास कमीशन की है 15% कमीशन की कमीशन 4 लाख का क्लास अगर 15% है तो हमारे पास 60,000 आता है। आप कंसाइनमेंट डेबिट हुआ है किसकी वजह से निशान की वजह से कंसाइनमेंट डेबिट हुआ है निशान की वजह से कितने से 60,000 से। अच्छा क्लास अभी यहाँ पे हमारे पास है बैंक ड्राफ्ट भी एंट्री यहाँ मौजूद है अगर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में अगर आपको मैं दिखा पाऊँ हमारे पास आ रहा है कि एक्सपेंसेस ऑफ निशान के बाद जो उसने बैंक ड्राफ्ट भी यहाँ पे जो है वो रिसीव किया है 90,000 का तो क्या एंट्री करते थे बैंक अकाउंट टू निशान अकाउंट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट किस तरह से आएगा कि 100
केस मल्टीप्लाई बाय 1000 आपने किया तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 1 लाख। ऐड करना है आपने कंसाइनर के डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डिवाइड करेंगे टोटल यूनिट्स, मल्टीप्लाई करेंगे अनसोल्ड। अब देखिए क्लास कंसाइनर के जो हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो 1200 और टोटल केस है 300 और अनसोल्ड थे 100। अगर हम यहाँ पे ऐड करें तो हमारे पास आ जाता है 400। भाई हमने इसके अंदर इसको ऐड अप किया तो हमारे पास आ गया 1 लाख जो है वो 400। तो हमारे पास हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है, ठीक है 1000400। तो स्टॉक ऑफ कंसाइनमेंट की एंट्री अगर हम देखें तो हम क्या करेंगे, स्टॉक ऑफ कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट 10400 से जी क्लास मैंने ये भी एंट्री जो कि यहाँ पास कर दी है और यहाँ पे स्टॉक ऑफ कंसाइनमेंट की वजह से कंसाइनमेंट क्रेडिट हुआ है। ठीक हो गया 1,400, ठीक है। अब क्लास हमारे पास चूंकि बन गया, अब हमें टोटल करना है तो हमारे पास 5,400। इसमें से अगर हम इसको ले सकते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है क्लास में है 1,33,000। तो ये हमारे पास आ रहा है प्रॉफिट, ठीक हो गया क्लास। इसी तरह से अगर हम जिशान का लेजर बनाते हैं तो जिशान देखिए कहाँ कहाँ पे आ रहा है, जिशान डेबिट हुआ है कंसाइनमेंट की वजह से, कितने से 4 लाख से। फिर क्लास कंसाइनमेंट डेबिट हुआ है जिशान की वजह से, सॉरी जिशान क्रेडिट हुआ है कंसाइनमेंट की वजह से, कितने से 60,000 से। फिर क्लास जिशान क्रेडिट हुआ है बैंक की वजह से 90,000 से। फिर जो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है इसके अलावा 500 जी हमारे पास तकरीबन जिशान की यही वैल्यूज थी। हमारे पास देखिएगा 90,000 की वजह से, 60,000 की वजह से, और इसके अपने भी खर्चे थे कंसाइनमेंट अकाउंट को। ये देखिएगा यहाँ पे कंसाइनमेंट जिशान क्रेडिट हुआ है कंसाइनमेंट की वजह से 1200 से। इसके अलावा और देखें जिशान कहाँ पे क्रेडिट हुआ है, जो ये हमारे पास ठीक है मामला क्लियर हो गया। अब हमने क्या करना है इसका समअप कर लेना है। अब देखिएगा बड़ी वैल्यू हमारे पास कौन सी है, बड़ी वैल्यू हमारे पास जो है वो 4 लाख है, 4 लाख हम यहाँ पे लिखेंगे और बैलेंस कैरी फॉरवर्ड निकालेंगे दोनों तरफ बड़ी वैल्यू का टोटल और बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, इसमें से इसको लेस आउट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो है 2,48,000। प्लस इसी तरह से हमारे पास जैसे कि साइमन अकाउंट है, जिशान अकाउंट है, जिशान अकाउंट के बाद अगर हम जीएसओसी अकाउंट बनाते हैं तो भी हम बना के दिखा देते हैं। जनरल एंट्रीज को हम यहाँ पे रेज आउट करते हैं, दो मरतबा जीएसओसी आपका जो है वो आप ये कह सकते हैं कि डेबिट क्रेडिट हुआ है, एक पहली एंट्री में और एक लास्ट वाली एंट्री में। देखते हैं भाई हमारे पास जी एस ओ सी अकाउंट किस तरह से बनता है, उसी तरह से लेजर बनाना है। इसका डेट डिटेल, डेट डिटेल अमाउंट जी डेट डिटेल अमाउंट जी। आप देखिए कंसाइनमेंट डेबिट हुआ था किसकी वजह से, जी एस ओ सी की वजह से। तो जी एस ओ सी क्रेडिट हुआ था किसकी वजह से, इसका मतलब है कंसाइनमेंट की वजह से, कितने से इधर लिखेंगे जी, कितने से हमारे पास 3 लाख से। इसी तरह से जब हमने कंसाइनमेंट जो आपके पास जीएसओसी किया हुआ था क्रेडिट हुआ था किस डेबिट हुआ था किसकी वजह से, ट्रेडिंग अकाउंट की वजह से।
जी क्लास उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 7 की बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इसमें स्टाफ ऑफ असाइनमेंट की वर्किंग भी हमने की और उसकी मैंने एंट्रीज जो कि उसने एंट्रीज नहीं मांगी थी, उसने सिर्फ 3 नेसेसरी अकाउंट्स मांगे थे। क्लास मैंने 3 नेसेसरी अकाउंट्स आपको बना के दिखा दिए, लेकिन मैंने क्लास आपको एंट्रीज के जरिए बताया है किस तरह से आपको 3 नेसेसरी अकाउंट्स जो है वो यहाँ बनाने हैं। जी क्लास उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन की बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वाली वीडियोस में हम क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 को डिस्कस करेंगे। क्लास तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा, दुआओं में याद रखिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।